We have worked together here in Balochistan. और अच्छी उस वक्त की यू नो यादें हैं सबके साथ. मैं तो बलोचिस्तान को अपना यू नो असल प्रोविंस बलोचिस्तान को ही समझता हूँ, बिकॉज मेरा मैक्सिमम स्टे जो था सर्विस में वो इसी प्रोविंस में था. तो एज एएसपी, एज एसपी, एज आईजी. अब जो ये काम है हमारे सामने जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो है रिलेटिंग टू माइनॉरिटीज़ राइट्स. तो और इसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि जो पेशावर चर्च पे 2013 में बड़ा सीरियस और हीनियस किस्म का असाल्ट हुआ था और जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो शहीद हुए थे, तो उसके फॉलोअप पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सुआ मोटो नोटिस के तहत डिसीजन लिया था जून 2014 में. तो उस जून 2014 वाले डिसीजन के मुताबिक 6-7 बड़े क्रूशल जो डायरेक्शंस थी उनको इम्प्लीमेंट होना था. वो डायरेक्शन इस किस्म की हैं कि जो नेशनल लेवल पे एक माइनॉरिटीज़ कमीशन और काउंसिल वो तरतीब दी जाए ताकि वो काउंसिल डे टू डे मॉनिटरिंग भी करे और सजेशंस भी दे और जहाँ इम्प्लीमेंटेशन का उसको ज़रूरत हो उसमें भी हेल्प करें. दूसरा था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की उनको प्रॉपरली सेफ गार्ड किया जाए. और इसके लिए प्रपोज़ल डायरेक्शन ये थी कि पुलिस फोर्स जो है वो डिस्टिंक्ट इसके लिए रखा जाए उसको, ताकि वो और कामों में इन्वॉल्व ना हो और जो फोकस्ड वे में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके और जो क्वालिटी सिक्योरिटी हो. ये नहीं है कि भाई. तीसरा था कि जी जो आपका करिकुलम है, सिलेबस है, उसमें जो हेट मटेरियल है उसको निकाला जाए. तो चौथा इसी से रिलेटेड हेट स्पीच के बारे में भी था कि और इंटरफेथ हार्मनी उसको प्रमोट किया जाए. फिर ये 5% कोटे का था कि माइनॉरिटीज़ के लिए अलग कोटा रखें. तो ये इन ब्रीफ उस जजमेंट का मोटे मोटे जो पॉइंट्स थे. फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी बनाया ताकि इसको फ्रॉम टाइम टू टाइम देखते रहें कि भाई कितना अमल हुआ है, कितना नहीं हुआ. लेकिन इस साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट कंक्लूडेड के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्लो है और लिहाजा उन्होंने कहा कि अब हम एक सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन कमीशन बनाते हैं. तो उस जजमेंट के परसुएंस में ये वन मैन कमीशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स ये बना है, जिसको यू नो वन मैन कमीशन मैं हूँ, यू नो आई हैड दैट. और साथ उसके एक कमेटी है जो कमेटी मुख्तलिफ इशूज़ पे उसका काम है एडवाइस देना और असिस्ट करना. तो उस कमेटी में हमारे 3 ऑनरेबल मेंबर्स हैं. एक ये रमेश कुमार हैं, आप इनसे वाकफ़ हैं, ही इज़ MNA. और जो हिंदू काउंसिल है पाकिस्तान की उसको ये हेड करते हैं. अखबारों में बड़े ज़बरदस्त आर्टिकल भी इनके आते रहते हैं, आपको पता ही है इनका. तो दूसरे एक बैरिस्टर हैं, साकब जिलानी उनका नाम है. तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और उनकी वैसे काफ़ी इंटरेस्ट है इस माइनॉरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में. वो जो डिसीजन था 2014 वाला वो उनके वालिद साहब उस वक्त
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने लिया था। सो एक इमोशनल उनको भी है कि भाई। और तीसरा है कि जो सीनियर मोस्ट एडिशनल अटॉर्नी जनरल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है। तो ये तीन मेंबरों की वो कमेटी है। हमने अभी कोई वैसे तो ये काफ़ी महीने पहले बना था, लेकिन कुछ और इश्यूज़ रहे उसमें, तो एक महीने से तकरीबन अब हमने काम शुरू किया हुआ है। हम केपी में विज़िट कर चुके हैं, सिंध में कराची में कर चुके हैं, फिर अभी दो दिन पहले इधर आए थे। जनरली हम जो जितने सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट कंसर्न के, चीफ सेक्रेटरी आईजीज, इनसे डिस्कस करते हैं कि भाई आपने अभी तक क्या किया है, और जो नहीं हुई इम्प्लीमेंटेशन उसकी रीज़न क्या है, और फिर उस काम को आगे यू नो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा इसका हिस्सा होता है कि जो मेजर प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं, लाइक नजायज़ कब्ज़े हैं, यू नो माइनॉरिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ पे अननेसेसरी लिटिगेशन है, तो वो हम विजिट्स भी करते हैं। कल हमने कोटा सिटी में 6-7 जगहों पे यू नो विज़िट भी किए। फिर एक हिस्सा ये होता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे मीटिंग करना और उनसे पूछना कि आप के क्या इश्यूज़ हैं। तो जाहिर है आप समझती हैं इश्यूज़ तो बेशुमार हैं, और लेकिन ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं कि जिनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। देखें, ये जो माइनॉरिटीज़ का कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा क्लियर है। वन इज़ अवर रिलीजन, जिसने 1400 साल पहले बड़ा क्लियरली बताया था कि माइनॉरिटीज़ की स्टैंडिंग कहाँ है। यू नो खुद जब माइनॉरिटीज़ के डेलीगेशंस पैगंबर इस्लाम को मिलने आते थे, तो ये इशू पैदा हुआ कि जी उनके लिए अब उन्होंने अगर नमाज़ पढ़नी है तो कहाँ पढ़े, क्या बाहर गली में पढ़े, या तो फौरन कहा गया उनको कि आपने मस्जिद में अपनी इबादत करें। मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। तो ये था उस वक्त लेवल, यू नो खुद उनका ये कहना था कि अगर माइनॉरिटीज़ के साथ कोई ज़्यादती हुई तो क़यामत के दिन मैं माइनॉरिटी शख्स के साथ खड़ा हूँगा, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है जिस दीन के हम पैरोकार हैं। तो दूसरा फिर बड़ी वो ऑफन आपको पता है कोट की जाती है 11 अगस्त 47 वाली स्पीच जो है कायदे आज़म की, कि जी यू आर फ्री टू गो एनी वेयर, वेदर यू गो टू योर मंदिर्स या गुरुद्वारास या मसाजिद या वेयर एवर, यू आर फ्री टू डू दैट। और फिर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियरली लेज कि जी माइनॉरिटीज़ आर इक्वल सिटीजन्स इन एवरी रिस्पेक्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजन हर एक का अपना काम है, किस रिलीजन को कोई फॉलो करना चाहता है, देर इज़ नो कंपल्शन, नॉर इज़ देर एनी कंपल्शन कि आप उनको कौन सा सिलेबस पढ़ाते हैं। ये हमारा अनफॉर्चुनेटली ये 80s से काम शुरू हुआ और वो बिगड़ता गया कि जी हमने क्रिश्चियन या हिंदूज़ हैं तो उनको भी कहना है कि तुमने दीनियात पढ़नी है। भाई उनकी दीनियात अलग है, यू नो अगर आपने एक चीज़ पढ़ानी है तो एथिक्स पढ़ाएं, जिससे कि वो इंसान अच्छे बने, चाहे वो मुसलमान है चाहे हिंदू है या क्रिश्चियन है। अगर आपने दीन पढ़ाना है तो फिर सबका पढ़ा दें, ठीक है। मतलब एक किताब है उसमें 2 चैप्टर मुसलमानों पर डाल लें, 2 क्रिश्चियंस पर डाल लें, 2 हिंदूज पर डाल लें, एंड सो ऑन। तो अव्वल इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हर एक अपना खुद कर सकता है, ऐसा काम है वो। तो ये है इन ब्रीफ। अब इसमें आप की जाहिर है यू नो मीडियाज़ रोल इन एवरी रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन द मैटर इज़ यू नो ऑफ अ क्रूशल इम्पॉर्टेंस।
ये वो मैटर है जिससे हमारी इंटरनेशनली बड़ी बदनामी होती है. यू नो, जब आप बाहर लोगों से मिलते हैं तो वो जो बातें मतलब सामने आती हैं तो वो बातें ऐसी हैं कि जिन पे हमें ख्याल करने की ज़रूरत है. हमें उनको कंट्रोल करना चाहिए और जो वो लोग करते हैं उनको पनिश करना चाहिए. वी शुड मेक एग्जांपल्स आउट ऑफ दैम. तो बहरहाल इट्स अ यू नो क्वाइट आई वुड से चैलेंजिंग टास्क, बट हमने अब लिया इसको तो इसको करेंगे इंशाल्लाह. ये ज़्यादा तल्लक है रिसर्चर्स के साथ इसका, कि वो रिसर्च करें और बताएं और लगे रहें हर वक्त. बाकी अब देखें ना, उधर ठीक है बाबरी मस्जिद वाला वाक़या हो गया, इधर क्या हुआ कि हज़ारों के हिसाब से मंदिर हैं गुरुद्वारे हैं ये वो तबाह कर दिए और आज तक वो बर्बाद पड़े हैं. तो इसमें नुकसान किसका हुआ? यू नो, अब वो सारे डिमांड कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट हमें बना के दे, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बना के देना पड़ेगा. तो इसलिए हमें उस तरफ पिंग पॉन्ग में नहीं जाना चाहिए कि बाल इधर फेंका, उन्होंने इधर फेंका, इधर. इसको अब कहीं दरमियान में खड़ा करने की ज़रूरत है कि जहाँ ये सबके लिए एक्सेप्टेबल हो जाए. तो मतलब ये बात इनकी बिल्कुल सही है और इसी पर हमें आना चाहिए कि एवरी वन हु इज़ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान इर रिस्पेक्टिव ऑफ वट रिलीजन ही प्रोफेस इज़ इक्वल सिटीज़न. तो अगर हम उनको नौकरियां नहीं देंगे तो किधर जाएंगे? तो टेररिस्ट बन जाएंगे. यू नो, हमारे अपने लोगों को नौकरियां नहीं मिलती तो वो भी इसी तरफ चल पड़ते हैं. तो इसलिए टॉलरेंस सोसाइटी में जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसमें सबका बल है. उसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिटी का बल है, सबका बल है, क्योंकि हम मिल के इस मुल्क को फिर आगे ले जा सकते हैं. अगर आपस में हम लड़ते रहे, एक दूसरे पर शक की निगाह से देखते रहे, अगर कोई मशकूक एक्टिविटी है किसी की उसको एक्सपोज करना चाहिए. यू नो, और सबको उसका पता होना चाहिए कि ये लायल नहीं है टू दिस कंट्री. यू नो, और टू द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तहत वो इधर गवर्न हो सकते हैं. अदरवाइज हमें जी डॉक्टर असल इशू क्या, आपने हिंदुस्तान का दौरा किया, आपने कब बताया कि घूमे हैं आप, क्या इश्यूज आपके सामने आए हैं यहाँ पर माइनॉरिटीज जो फेस कर रहे हैं? देखें अगर सिंपल टर्म्स में मैं बात करूं तो इशू है सिस्टम में जो सिस्टेमिक इनजस्टिस है, और वो सिस्टेमिक इनजस्टिस जो है वो हिंदू क्रिश्चियन सिख का नहीं है, वो सबके लिए है. और मैं आपसे बात कर रहा था कि सोसाइटी डिवाइडेड है हैव्स और हैव नॉट्स में. जो हैव्स हैं वो किसी कानून की परवाह नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं ना हमें पुलिस पूछे, ना FIA पूछे, ना NAB पूछे, हम आज़ाद रहें, और अगर कोई पूछ भी ले तो पैसे दें या इन्फ्लुएंस लाएं तो निकल जाएं, ना कोई हमें कोर्ट पूछे. तो डिवीजन वहाँ है. जो बाकी 95% मुसलमान हैं इस मुल्क के, उनका भी बुरा हाल है. उनको पूछें कभी कि जी आपका ऑब्जर्वेशन सबकी होगी कि थाने क्या उनके साथ करते हैं, पटवारी उनके साथ क्या करता है. यू नो, बाकी जगहों पे आप जाएं तो जो हालात हैं. सो ये जो है माइनॉरिटीज़, ये और ज़्यादा पिसती हैं इस तरह के सिस्टम में. हमें सिस्टम रखना है रूल ऑफ लॉ का, कि यू नो वो ये ना देखे कि वो जो बात इधर इस मुल्क में होती रहती है कि जी देर इज़ अ क्या बिहाइंड एवरी फेस देर इज़ समथिंग, कुछ इस तरह का लोग शोशे छोड़ते रहते हैं. मकसद ये कि पहले आप बंदा दिखाएं तो उसके लिए लाभ बदल देंगे, हम उसकी इंटरप्रिटेशन बदल देंगे. यू नो, हमें अब उस तरफ आने की ज़रूरत है कि वट एवर वी डू इरिस्पेक्टिव के बंदे का फेस क्या है. फेस से मुराद के वो कितना इन्फ्लुएंशियल है, कितना पैसे वाला है. यू नो, हमें उससे निकल के तो अपने जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, चाहे वो इस तरफ के हैं चाहे उस तरफ के हैं, उस रिलीजन के हैं उस रिलीजन के हैं, उनको. अब छोटी छोटी बातें हैं अगर आप कहें तो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बताया गया कि जी जिस दिन हमारा कोई फेस्टिवल होता है तो उस दिन
हमारे बच्चों का डेट शीट में पर्चा रख दिया जाता है। अब दिस इज़ ओनली बीइंग इनसेंसिटिव, इसमें क्या अचीव होता है? लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ईद के दिन हमें छुट्टी होनी चाहिए और उस दिन हमारा कोई पर्चा ना ले, तो दूसरे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारे बच्चों को भी आज छुट्टी मिल जानी चाहिए। तो ये चीज़ें आप हम बता रहे हैं लोगों को जो डील करते हैं इन मैटर्स को, कि भाई आपको वी वेंट टू केपी, उन्होंने काफ़ी सारी इस तरह की जो हेट मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें आती थी वो किताबों से निकाल भी दी हैं। इधर भी बलोचिस्तान इज़ आई वुड से आलमोस्ट इन द लीड के इन्होंने माइनॉरिटीज़ का डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया है, जो कि अभी बाकी जगह पे हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग जो अप्रिशिएबल है कि उसको मतलब पैट करने की ज़रूरत है। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ आपके नोटिस में आए उसको ज़रा हाईलाइट करें। या सबसे ज़्यादा शिकायत जो माइनॉरिटीज़ की हैं और वो इन जो मेम्बरान हैं वो उससे भी वो कहते हैं कि शिकायत इनसे है कि ये उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं, यानी कि बेबसी है सिस्टम में कि जो ज़मीनें जो 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 लैंड है जो बिजनेसेस हैं वो सारा कब्ज़ा माफिया ने जो है उसको कब्ज़ा किए हुए दुकानें बनाई हुई हैं और उसको और जो वो ट्रस्ट बना हुआ है जो ट्रस्ट हुआ है सारा कुछ, तो आपके नोटिस में कुछ तरह की बातें नहीं? हाँ देखें, वो फिर मैं वही बात करूँगा कि चूँकि लॉ इक्वल नहीं है सबके लिए, ना हमारे कस्टम्स इक्वल हैं, वो भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यू नो कि किसको हमने कैसे मिलना है, किससे हाथ मिलाना है, किससे यूं करना है, कैसे सो। तो द पॉइंट इज के माइनॉरिटीज़ में भी जो लोग सामने आते हैं, एक तो सीरियस इनका इशू ये भी है कि ये इलेक्शन प्रोसेस इनके हिसाब से गलत है, यू नो कि जो गवर्नमेंट इन पावर है वो नॉमिनेट कर देती है, तो प्रॉपरली वो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। हमें उनके साथ बैठ के तो एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें उनके रियल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ऊपर आए। होता क्या है कि उनमें भी जनरली एक्सेप्शंस आर देयर। ये दिनेश कल से परसों से हमारे साथ हैं, बाय एंड लार्ज जिधर भी हम गए हैं लोग इनकी इज्जत करते हैं कि जी ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी को नहीं प्रमोट करते बल्कि दूसरों का भी ख्याल कर रहे हैं, और हम अगर इनके पास जाते हैं तो ही इज़ हेल्पफुल। सेक्रेटरी बैठे हुए हैं माइनॉरिटीज़ के, यू नो आई फाउंड हिम सेंसिटिव ऑन दीज इशूज़। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इनमें खराबी है तो वो खराबी भी तो बदनामी तो सबकी है ना, उसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। वो खराबियां हैं, यू नो जो इन्फ्लुएंशियल इनमें है वो भी ग्रैब करने की कोशिश करता है। ज़मीनों वाला मसला टेक अप कर रहे हैं आप उसको कि क्या उसकी उस पे कुछ बनाई जाए, कोई बनाई जाए, किस तरह उसको कर रहे हैं? पहले तो ये इनसे कहा है कि भाई आपके जितनी टोटल एम्प्लॉयमेंट है पब्लिक सेक्टर में, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में है चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है, आप हमें लिस्टें बना के दें बाई नेम कि जी ग्रेड वाइज कि जी ये इसमें है टोटल जो स्ट्रेंथ है सेंक्शनड, ये ऑन ग्राउंड है, ये उसमें मुसलमान है, ये उसमें आगे डिफरेंट माइनॉरिटीज़ हैं, और फिर ये देखें कि इनका जो 5% कोटे के अगेंस्ट वेकेंसीज हैं कितनी। एक ये कन्फ्यूजन नज़र आई कि जी वो जब ऐड देते हैं तो उसमें नए सिरे से डाल देते हैं कि जी हाँ 5% कोटा है, लेकिन पिछली जो सारी रह गई होती हैं वैकेंसीज उनको आगे यू नो थ्रो फॉरवर्ड नहीं करते। तो नतीजा ये है कि हर दफ़ा, या इवन ये भी आया कि जी ऐड को मैनिपुलेट किया जाता है कि 5% मीन्स के 100 होगी तो 5 मिलेंगी ना, जिसका मतलब है कि कम से कम 20 वैकेंसी हों तो एक मिलेगी, तो 20 से कम का इश्तहार दे दिया, वो कह दिया कि जी इसमें तो आपका 5% बनता ही कुछ नहीं है। तो हमने उसका भी डिसीजन लिया है कि भाई अगर ये 0.5 से ऊपर है तो इट विल बी काउंटेड 1, अगर 0.4 है तो इट विल बी टेकन टू द नेक्स्ट एड, यू नो। और इसी तरह पिछली सारा जो कुछ भी क्यूमुलेटेड डेफिशिएंसी है वो भी आप पूरा करें। तो
कहने का मकसद यह है कि सॉल्यूशंस आर देयर, सिर्फ हम इससे हम मॉनिटर भी करेंगे कि कौन कौन सी जगह खराबी थी और उसको हमने पॉइंट आउट किया और फिक्स नहीं हो सकी। अगर लॉ में चेंजेस की ज़रूरत है लॉ विल बी चेंज, अगर रूल्स में चेंजेस की ज़रूरत है उसको करेंगे। आपने कहा ये जो ज़मीनों का इन पर्टिकुलर ज़मीनों के मामले में जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये हमारा जो सेटअप है इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का है। देखें मैं पॉलिटिकल इश्यूज में उस तरह से आपको पता है मेरी आदत का, बट द पॉइंट इज के इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी है किसकी है, यू नो, अगर आप हर दफ़ा उसका हेड मुसलमान लगाएंगे तो माइनॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, यू नो। आप इन्हीं में से लें कोई और उसको कहें डिलीवर करो भाई, अगली दफ़ा एक दफ़ा आपने क्रिश्चियन लिया अगली दफ़ा बेशक आप सिख ले लें, उससे अगली दफ़ा आप हिंदू ले लें, अगर वही काम इतना अच्छा कर रहा है कि सबको एक्सेप्टेबल है सो बी इट, बट इन माई व्यू देर इज़ ऑनेस्टली नो जस्टिफिकेशन कि आप उसका हेड भी एक पॉलिटिकल बेसिस पे ऐसे बंदे को लगा लें जिसको आप एनरिच करना चाहते हैं, यू नो, सो दैट हैज़ टू स्टॉप। काफ़ी सारी इधर यहाँ भी उधर इनक्रोचमेंट्स में भी ज़मीनें गई हुई हैं। हम उधर एक जगह गए थे तो वहाँ ये था जी कि वो कब्रिस्तान है तो उसकी चार दीवारी नहीं करने देते लोग, यू नो, तो उधर फिर मैंने बुलाया था पुलिस वालों को, मैंने कहा ये करवाओ, अगर नहीं होने देते तो फिर हमें बताओ, यू नो, वेलकम एंड इवन स्टे हियर जितनी देर वो मसला हल नहीं होता। ऐसे नहीं है कि ऑर्डर कर गए तो चले गए तो बस ऑर्डर ख़त्म हो गया, नो, वी हैव टू एक्चुअली शो कि अचीव हमने क्या किया है। 100 ऑर्डर करके तो अचीव अगर एक भी नहीं किया तो उससे बेहतर है 2-4 करें ऑर्डर और उनको अचीव करें। कराची में हम थे, यू नो, एक इंसिडेंट का वो सामने नज़र आ रही थी इंक्रोचमेंट, हमने उधर खड़े ही बुलडोज़र मंगवाए उसको साफ करा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें यह है कि अगर किसी जगह केस पेंडिंग भी है तो हमारा जो जजमेंट है ये ओवरराइड करती है उसको, नंबर वन तो ये है। फिर भी अगर आपने कोई एक्स्ट्रा केयर उसमें देखनी है तो आप मुतलका जज को बात करें उससे कि भाई साहब इसको फ़र्क करें, वन वे आर दी अदर, हम ये नहीं कहते कि आपने यू नो क्या करना है, बट डिसाइड द मैटर। ये नहीं है कि 10-10 साल से आपने उस पर बैठ गए हुए हैं एंड यू नो। तो अभी एक इधर कल उन्होंने बताया जी कि यू नो ह्यूज कॉम्प्लेक्स है, उसका बैक साइड जो मेन रोड पे आती है अब उधर यू नो अंडर एंड वे में दरवाजे उधर निकाल दिए और उसको कमर्शियल बना दिया, और जो वो फिगर उधर बता रहे थे कि जी लाखों रुपए दिए गए हैं लोअर ऑफिशल्स को, इट्स अमेजिंग, यू नो। अच्छा फिर ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की, अगर आपने उससे किराया ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी से तो उनको किराया तो दे दें, यू नो, सो दैट दे स्पेंड इट, यू नो, उसकी रेनोवेशन पे बाकी चीज़ों, वो किराया लोगों की जेब में जा रहा है। सो करप्शन इज़ अनदर मेजर इशू विच ऑब्वियसली आप सब समझते हैं कि कितना मुश्किल काम है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में उसमें डेंट ज़रूर डालेंगे। और जो अभी तो सिर्फ हमने क्वेटा देखा है, दूसरी जगहों पे वेदर इट इज़ डाडर की कोई बात कर रहे थे, सिब्बी की बात हुई थी, उधर जाफराबाद वगैरह में जहाँ जहाँ ये इश्यूज़ हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो विज़िट भी करेंगे, बट वही एक्सपेक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन लोकल है, दी डीसीज, दी कमिश्नर्स, दी पुलिस, सारे एक दूसरे से इन सपोर्ट होंगे और इसको क्लियर करेंगे। जो नहीं करेंगे ऑब्वियसली दे विल बी यू नो ब्रॉट टू एक्सप्लेन कि भाई आप अकाउंटेबिलिटी आपकी होगी, ऐसे नहीं होगा। सर, पाकिस्तान को अगर कंपेयर किया जाए दीगर सूबों से तो दीगर सूबों में भी अकलियती बिरादरी है, और पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि कोटा में आपने विजिट किया और उसके बाद आपके और भी प्लान्स हैं, तो शिकायत कहाँ से ज़्यादा आपको मौसूल हो रही है? देखिए मैं खुद इधर इतना अर्सा रहा हुआ हूँ और डिफरेंट जगहों पर रहा हुआ हूँ, तो मेरा अपना व्यू जो है वो ये है कि यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं ना वो दूसरे सूबों की नस्बत ज़्यादा टॉलरेंस के साथ एक दूसरे के साथ रह रही हैं विद दी यू नो मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड सो ऑन, और आपस में भी
लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा मुझे इम्प्रेशन कुछ डिफरेंट इस सेंस में मिला कि जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई 60-70 लोग थे जिनसे मैं मिला, उसमें एक कम्युनिटी के कोई 8-10 ग्रुप थे और वो मेरी मौजूदगी में भी एक दूसरे से उलझ पड़े, तो वो उस पर मुझे थोड़ा सा हुआ कि भाई ये वो बलूचिस्तान नहीं है कम से कम जिसको मैंने देखा हुआ है और जिसमें इतने साल मैंने गुजारे हुए हैं। बट उसको भी कराते हैं कुछ, क्योंकि एक इशू है इंटर जो डिफरेंट रिलीजियस फेथ्स हैं और एक है इंट्रा, कि क्रिश्चियंस के अगर 10 ग्रुप हैं फॉर एग्जांपल और आपस में लड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कोई इलेक्शन कराएंगे क्या करेंगे? सो उनको भी कहा है कि भाई आपस में बैठो, ये अपना जो पोर्टफोलियो माइनॉरिटीज़ का इनके पास है, नहीं सब इनको भी कहा है कि भाई इनकी को मीटिंग्स करें, नहीं है तो हमें बुला लें, हम भी साथ बैठ जाते हैं। बट पहला काम यह है कि इनका जो आपस में डिस्प्यूट्स हैं, और डिस्प्यूट और तरह के हैं, उसमें जो बात इधर से हुई है वो भी है कि वो कहते हैं जी 20 करोड़ मिला था और वो स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी के लिए मिला था, और फिर लोगों ने देखा कि अच्छा इस अमाउंट को अब खर्च कैसे करना है, उसके लिए कोई बाहर से लोग आना शुरू हो गए कि ठेके हम ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो उस तरह की बातें हैं। ग्रीड की देखें कोई लिमिट नहीं है, तो ग्रीड को दुनिया भर में रोकता है जो इक्वल लॉ एनफोर्समेंट है कि भाई इफ़ यू ओवर स्टेप यू विल बी टेकन टू टास्क। हमारे तो आपको पता है कि इधर आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किन लिमिट्स को हम गए हैं और किस जगह हमने इस मुल्क को पहुँचा दिया है। बट वी कांट अफोर्ड टू लूज होप, वो होप हमने रखनी है और उसके लिए मेहनत करनी है कि इस मुल्क को और 10 साल बाद 20 साल बाद ये बेहतर हो। देखिए अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वी विल बी डेफिनेटली देयर टू हेल्प, लेकिन रहना किधर है वो तो हम अपने इलाके छोड़ के तो इस्लामाबाद चले आए तो आप कभी साल में एक तो दफा जाते हैं तो शादी गमी पे, तो अगर तो वो उस तरह का मामला है तो वो तो आएंगे भी नहीं हमारे कहने पे, लेकिन अगर उनको प्रॉब्लम है आने में तो वो प्रॉब्लम का हम ज़रूर कुछ ना कुछ कर देंगे, हेल्प करेंगे। नाइन्टीज़ में जो माइग्रेशन हुई थी आपने देखा कि 99 में जब मुशरफ आया माहौल जहाँ पे अकलियत के लिए बेहतर बना तो 80% जो माइग्रेटेड लोग थे वो वापस आ गए, कुछ लासी भी वापस आ गए, कुछ और कम्युनिटी जो सिंध वगैरह से भी हुई थी माइग्रेशन वो भी वापस आ गए, तो ये अप एंड डाउन जो है वो होता रहता है। अगर एक जगह आपकी प्रॉपर्टी है, आपके जानने वाले हैं, मैं आपको अपना छोटा सा वाक्या बता देता हूँ। मैं 5-6 साल का था उस वक्त, तो ये mid-50s की आप बात कर रहे हैं, तो जो हिंदू माइग्रेट करके यहाँ से इंडिया गए हुए थे वो हर साल विज़िट करते थे वापस अपने गांव को, ठीक है, एवरी ईयर, और ये सिलसिला चलता रहा ये 65 की वार तक, फिर उसके बाद कम्प्लीटली बंद हो गया। वो हमारे घर में रहते थे, इकट्ठा ही खाना होता था उस वक्त, किसी को ये कम से कम हमें नहीं किसी ने बताया था कि फ़र्क है कोई, हम यही समझते थे ये हमारे गेस्ट हैं, इधर से चले गए थे अब वापस आ रहे हैं, फिर विज़िट करके चले जाते थे, तो देर वॉज अ डिफरेंट लेवल ऑफ टॉलरेंस फॉर ईच अदर, कोई ऐसा मसला नहीं था कि ये बर्तन अब पलीद हो गए हैं जी, तो ये हो गया जी, तो वो हो गया। अब ये जो आसिया वाला किस्सा हुआ था सिर्फ बर्तन की वजह से ही हुआ था नहीं जी। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं जैसे नवाब बुगटी की शायद जो हुआ था वाकया, इसके बाद हिंदू कम्युनिटी यहाँ से चली गई थी, इनके कहने तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने उनको कंपल सेंड किया है, और आप देखें खुजदार में 90% वो वापस आ गए, कलात में 90% आ गए, और डेरा बुगटी में हिंदूज वापस आ गए। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि तमाम के तमाम 90% वापस आ चुके हैं। लोगों के जिधर रूट्स होते हैं ना, अगर उनको सीरियस प्रॉब्लम्स ना हो तो वापस वो आना चाहते हैं, अपने बरादरी में, अपने यारों दोस्तों में, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिक्लेम करने के लिए। तो असल यह है कि हमें वो सरकमस्टांसेस जो हैं वो ऐसे करने हैं कि जिसमें वो अट्रैक्ट हो सकें, वरना वो नहीं आएंगे जी। और
थैंक यू वेरी मच, आपने सारे ने वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको हाईलाइट प्रॉब्लम्स को करें ज़रा, ताकि हम कोशिश करेंगे कुछ मेरे हाल में एक आध इश्तहार भी दे देंगे। और ये जो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर भी लोगों को ये हो के, ताकि हमें बताएंगे कि हमें अलार्म तो नहीं होना, लोगों को हमें कॉन्टेक्ट करना चाहिए और बताएं वो तो। और फिर हमारी जॉइंट एफर्ट है, ये कोई एक मतलब बंदा या एक कमेटी या एक कमीशन, इट्स एफर्ट बाय द होल नेशन इन फैक्ट। अच्छा, लेकिन शरा को बढ़ा देंगे जब वो समझेंगे कि हमारे साथ सही सलूक हो रहा है, तो वो भी शरा बढ़ा देंगे। मैं इसका जवाब दूं आपको। पहली चीज़ तो ये कि इंडिया में कुछ होता है या पाकिस्तान में कुछ होता है, एक दूसरे मुल्कों के साथ ये चीज़ें रिलेट नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे ये हुआ यहाँ पे। मगर फिर भी पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग रहते हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। 22 करोड़ जो मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया के साथ रहती है, वो इंडिया के साथ मोहब्बत करती है, क्योंकि हर मज़हब के अंदर धरती को माँ समझा जाता है। तो ये कहना कि उधर हुआ ये, मगर फिर भी यहाँ पर जब भी इंसानियत के हवाले से दुनिया के किसी भी ममालिक में अगर कोई इशू होता है, तो जो भी इंसान से मोहब्बत करने वाला बंदा होता है, वो उन चीज़ों को उस लेवल पे हाईलाइट करता है। आपने देखा कि इस्लामिक टेररिज्म के हवाले से अगर ट्रंप ने ये बात की, तो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की तरफ से मैंने पहली स्टेटमेंट जारी की कि रिलीजन को आप किसी अपना टेररिज्म को रिलीजन के साथ आप रिलेट नहीं करें। और कश्मीर के हवाले से हमने होली जो पुलवामा हुआ था, होली का जो दिन था वो हमने पाकिस्तान डे करके मनाया।